आपको बताना चाहता हूँ कि आज भोलकपुर डिवीजन तेलुगुदेशम की जानी से कन्वीनर मोहम्मद अखला हुसैन की सदारत में यौमे शहादत हजरत इमाम हुसैन के मौके पर शरबत तकसीम की गई। इस मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हजरत इमाम हुसैन तो सही खराज अकीदत अल्लाह और रसूल से हमारा रुजू होना है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कुर्बानी के जरिए आज इंसानियत को यह पैगाम दिया है कि हक के लिए जद्दोजहद करना चाहिए और हक की जिसके बाद हक की जीत होगी और यजीदियत का खात्मा होगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने यजीदियत के खात्मे के लिए पूरे अफराज खानदान के साथ जद्दोजहद की। उसका असल मकसद ये था कि यहाँ पर मौरूसी हुक्मरानी को ख़त्म करना और एक मतलब आज के हालात के हिसाब से जमहूरियत को लाजमी करना है। जमहूरियत उसी का एक हिस्सा है। आज जमहूरियत के नाम पर आज हम मौरूसी हुक्मरानों के खिलाफ हम जद्दोजहद करते हैं। मैं तमाम बिरादरान इस्लाम खासकर नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ कि मौजूदा हालात में जो कोरोना आने के बाद से जो हालात हुए हैं माशी हालत कमज़ोर होती जा रही है और उसके अलावा साथ साथ यहाँ पे इंसानियत का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मेरी गुजारिश है नौजवानों से कि आज अल्लाह और रसूल से रुजू हो जाएं और अपने तौबा इस्तगफार के ज़रिए अल्लाह से रुजू हो और बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे हालात को सुधारे। आज तो सख्त ज़रूरत है हमको अल्लाह से खरीब होने की। मैं इन तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि वो फजूल कामों की बजाय अल्लाह और रसूल से रुजू होने को अपना मकसद बना लें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि भाई अल्लाह ताला हमारे माशी हालत को सुधारे, हमारे जो परेशानियां हैं परेशानी को दूर कर दे। कुछ कह सकते हैं कुछ नहीं कह सकते हैं, तमाम के जायज़ मकासिद को अल्लाह ताला पूरा करे। मेरी भी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हर परेशानी को दूर करे और हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करे और हक के लिए लड़ने की हमको तौफीक अता फरमाए, बातिल का खात्मा करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।